शिवपुरी की बात करते हैं, जहां पे खजूरी गांव में प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास बंटवारे और आवास बनाने की रकम रिलीज करने के बदले में लोगों से रिश्वत ली गई। पीड़ित आदिवासी परिवारों के मुताबिक सरपंच पति और पंचायत सचिव ने उनसे 20 से 40 हजार रुपए की रकम बतौर रिश्वत ली थी। जब पीड़ित लोगों ने शिकायत की तो मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा और सचिव के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इसके बाद से सरपंच पति और पंचायत सचिव ने आदिवासियों के न केवल पैर पकड़कर माफी मांगी, बल्कि बाकायदा चौपाल लगाकर उनसे ली गई रिश्वत भी रकम जो थी वो वापस लौटाया है। पैसे वापस मिलने पर लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग बेशक खुश हैं, लेकिन ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के सरपंच पति और पंचायत सचिव ने देखिए बाकायदा रिश्वत ली थी। जब मामला कलेक्टर तक पहुंचा तो उसके बाद इन्होंने पैर पकड़कर माफी मांगे और पैसे लौटाए हैं। हालांकि आदिवासी समाज बहुत ही सीधा और बोला वाला समाज होता है, और लेकिन यहाँ पे एक आदर्श आइडियली यहाँ पे इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसे वो करप्शन को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरपंच पति और सचिव पर रिश्वत लेने का ये गंभीर आरोप लगा है। प्रशासन ने यहाँ पे शिकायत के बाद जब मामला गरमाया, मामले ने तूल पकड़ा, तो देखिए पैर पकड़कर माफी मांगे और ये वही पैसे वापस अब लौटाए जा रहे हैं। खजूरी गांव के आदिवासियों से ये रिश्वत मांगी थी, 20 से 40 हजार रुपए ये रिश्वत मांगी थी। तो इंसानियत यहाँ पे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की, उनकी इनोसेंस आप देखिए, वो बस पैसा वापस मिल रहा है इसी में वो खुश है, और पंचायत सचिव की घूसखोरी की देखिए पोल यहाँ पे कैसे खुल गई है। पीएम आवास योजना का फायदा देने के लिए देखिए केंद्र की योजनाएं, जिसका हक सभी को मिलता है, जो इस योजना का पात्र शख्स है, परिवार है, लेकिन जब इन पात्रों ने फॉर्म भरा, जब इनको हक अपने इस योजना के लिए, वो अपना हक के लिए सरपंच के पास पहुंचे, तो उन्होंने रिश्वत मांगी 20 से 40 हजार रुपए। मामला बढ़ा, जब उसके बावजूद भी रिश्वत देने के बाद भी जब इनको आवास नहीं मिला तो कलेक्टर गए, और अब जाकर देखिए वही पैसा वापस लौटाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पे क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है।